नमस्कार, महाराष्ट्र मिश्रा ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक खास प्रोग्राम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि हम इसमें आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो आपको जो आवश्यकता हो, चाहे शिक्षा से लेकर, चाहे आपके घर के सेविंग्स को लेकर के या टैक्स से लेकर के, उन चीज़ों को हम यहाँ इसमें वीडियो में बताते हैं। आवाज की ये वीडियो खास है उन सभी छात्रों के लिए जो कि बाहर जाके एब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, और उनके लिए सबसे अहम बात आता है, सबसे बड़ी बात आती है अगर कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए पैसा, कि पैसा का आखिर बात अरेंजमेंट कहाँ से होगा। और आपको अमूमन आप हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कहीं भी हिंदुस्तान में अगर आप एजुकेशन आप पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको आसानी से ऋण मिल जाता है, लेकिन जब आप बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, जिस तरह से आपके ऊपर मैंने कई कंट्री के नाम लिखे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, कहीं भी सिंगापुर, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऋण जो शिक्षा का है वो कैसे मिलता है, और आपके लिए खुशखबरी यहाँ मैं देखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऋण जो है वो छात्रवृत्ति भी मिलेगी आपकी, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, वो भी भारत सरकार की तरफ से। आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये आपके सामने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंडस्ट्री, ये आपको दिख रहा है, ये प्रोवाइड करता है आपको उच्च शिक्षा के लिए ऋण, और ये आसानी से आप पा सकते हैं। अब इसके क्या क्या चीज़ें हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, आपको क्या चीज़ें हैं, कौन से क्या क्या करना होगा आपको, सारी चीज़ें हैं। इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं जो हम आपको बता दें। देखिए, बाहर छात्रवृत्तियाँ जो हैं उच्च शिक्षा के लिए, इसमें सामान्य निर्देश है कि शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग संस्कृत साहित्यिक जो है आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत विदेशों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति वो प्रक्रिया सुविधाजनक बनाना है, और इसके लिए अधिकांश छात्रवृत्ति अनुसंधान मास्टर डायरेक्ट अध्ययन के लिए छात्रों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होता है। ये लिंक है देखिए आपके सामने, मैं अगर इस लिंक को अभी आपको क्लिक करूँगा, इस लिंक को दिखाऊँगा कि आगे इस लिंक में क्या है और कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी मित्र को अगर विदेश में छात्रवृत्ति पेश प्राप्त हो तो उसके लिए इस पोर्टल पर प्रसारित किया जाता है, इस पोर्टल पर दिया जाता है उसकी पात्रता, छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा, आयु सीमा, आवश्यक योग्यता, अनुभव के बारे में सब कुछ इसी के विवरण दिया जाता है। सूचना आपको बताएं, सूचना पर इसमें जो आपको प्रसारित की जाती है, और विश्वविद्यालय और UGC जिन विषयों के क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं वे दाता देश द्वारा यहाँ पर आपके राष्ट्रीय आवश्यकताओं की सुविधा को ध्यान रखते हुए अंतिम चयन देश क्या किया जाता है और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और छात्रवृत्ति के विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इसको हम आपको बताएंगे अभी आगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताए थे आपको, नवीनतम बाहरी छात्रों के लिए घोषणाएं एक क्लिक करने, यहाँ पर इसकी डिटेल भी आपको देंगे। विदेश में रहने वाले उम्मीदवार को आवेदन करने पर विचार नहीं किया जाता है, अगर कोई विदेश में रह रहा उम्मीदवार इंडिया में रहना चाहिए। जो अभ्यर्थी विशेषता आपको बताया, अध्ययन विशेषज्ञता प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति पर स्वयं 6 महीने से अधिक समय के लिए विदेश में रह रहे हैं तो वे केवल तभी आवेदन के पात्र हो सकते हैं यदि वे निर्दिष्ट तिथि पर विदेश लौटने के बाद लगातार कम से कम 2 वर्षों तक भारत में रहे, जिसका उल्लेख प्रत्येक छात्रवृत्ति फेलोशिप में होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप विदेश में रह रहे हैं तो उसमें विदेशों में रहने के साथ साथ आपको अगर आप 2 साल यहाँ पर आके 2 साल तक यहाँ आपको रहना होगा, उसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ऐसी किसी भी योजना का संचालन नहीं करता जिसके तहत उच्च अध्ययन करने के लिए भारत छात्रवृत्ति और इसका ऋण प्रदान किया जाता है। अगर आपको बात करें तो इसके लिए आपको कोई उपरोक्त योजना की शिकायत या उसका तो निम्नलिखित पोर्टल पर आपको दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इसके लिए अगर आपको संपर्क करना है तो ये एड्रेस दिया हुआ नीचे आपके सामने, देखिए एड्रेस, इस एड्रेस को नोट कर लें, बाद छात्र विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उच्च विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, बेस्ट ब्लॉक 1, दूसरी मंजिल, विंग सिक्स, कमरा नंबर 5, RK पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली। और ये मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं इसके लिए। अब इसके लिए प्रपोजल, जिसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। देखिए आपके सामने ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना, देखिए ये इस पर क्लिक करना, ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है इस पर क्लिक करना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या आता है देखिए, इसको बाहर जाने के लिए कह रहा है वेबसाइट से बाहर जाते हैं, ये नई वेबसाइट खुल के आती है। देखिए अब इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको या तो लॉगिन करना होगा, लॉगिन कब करेंगे,
जब आपको रजिस्टर, तो सबसे पहले इसको रजिस्टर करना होगा। हम रजिस्टर चलेंगे। अब देखिए इसमें दे रहा है कि रजिस्टर की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन रीच्ड, इसमें एक डेट होती है जिसके तहत आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो उस डेट को जाकर के आप वो कर सकते हैं लॉग इन यूजिंग पासवर्ड करके। ये देखिए, तो ये वेबसाइट है जिसके जरिए आप इसको यहाँ पर वो करते हैं। इसके अलावा अब आपको बताएं इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये आप ओपन हो रहा है, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी आपके लिए वो चीज़ें हैं। देखिए अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसका। आपको ये वेबसाइट जा करके, वेबसाइट आपको हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस वेबसाइट को जा करके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल इसमें पीडीएफ में, किस किस कंट्री का है, क्या एज लिमिट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर तरीके से इसमें देखेंगे और सब कुछ इसमें आपको साफ तरीके से यहाँ पर आपको ये पता चलेगा। तो ये है पूरा का पूरा, आपको मैं दिखा रहा हूँ इसे क्लियर तरीके से, मैं एक बार कर दूँ आपके सामने से आप साफ देख पाएँ। ये देखिए एक पीडीएफ आपको दिखा दे रहा हूँ मैं इसका, ये देखिए आपके सामने ये पीडीएफ इसका खुल रहा है। ये देखिए मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ इसका क्या है। देखिए अगर आप यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है इसका, मास्टर्स एक साल के लिए आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, या उसके सब्जेक्ट किस फील्ड में मिलता है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, साइंस में, एग्रीकल्चर में, ह्यूमनिटी सोशल साइंस में, ड्यूरेशन इसका कितना होता है, एक साल के और तीन साल तक के बीच में। अगर मास्टर्स होगा तो एक साल का होगा और अगर पीएचडी होगा तो तीन साल का होगा। ये आपके सामने दिख रहा है क्लियर तरीके से। और स्लॉट क्या होता है, 25 से 30 स्लॉट, मतलब स्कॉलर्स कितने मिलते हैं, 25 से 30। और किस महीने में नोट, अगस्त से सितंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आता है, यानी नोट इन्फॉर्मेशन इसको अगस्त से सितंबर के महीने में दिया आता है। और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के लिए ये आपके सामने दिख रहा है नोटिस क्या है, इस बार इसमें लिखी हुई है पूरी आप एक एक चीज़ें कि मास्टर्स के लिए क्या क्या वो होना चाहिए, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। पीएचडी के लिए क्या, डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, अदर रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, ये सब चीज़ें आपके सामने एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं। वैल्यू फॉर स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरव्यू के समय क्या चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये है, अब मैंने जिस तरह से एक यूके का दिखाया उस तरह से न्यूजीलैंड का भी है कि न्यूजीलैंड में भी आप क्या करना है। न्यूजीलैंड जाने के लिए सिर्फ आपको मास्टर पीएचडी के अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। इसका 1 से 2 साल के लिए मास्टर्स और पीएचडी उसी तरह 3 साल के लिए, 2 स्लॉट इसमें है इसके यहाँ के लिए इन मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च। ऑनलाइन एज नो लिमिट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये देखिए क्वालिफिकेशन का। ये मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये आप जा करके इसको पूरा पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं इसको। ये आपके सामने दिख रहा है अलग अलग कंट्री का। अब देखिए चाइना जाने के लिए क्या क्या है, ये देखिए चाइना में अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, डॉक्टरेट के लिए, जनरल स्कॉलर्स के लिए और सीनियर स्कॉलर्स के लिए, सबके लिए देखिए आपको यहाँ दिया है कितने साल की स्टडी, चाइनीज लैंग्वेज पूरा क्लियर दिखा हुआ है इसमें। तो ये आप धीरे धीरे करके पॉज करके इसके लिए स्टाइपेंड क्या मिलता है आपको पर मंथ, ये सब कुछ इसमें क्लियर तरीके से डिटेल में दिया हुआ है। ये इसराइल में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या क्या है, ये डिटेल्स आपके सामने धीरे धीरे करके आप इसे पॉज करके, मैं एक पेज नहीं दिखा रहा हूँ, पॉज करके आप कर सकते हैं। साउथ कोरिया अगर जाना है आपको तो ये इसके लिए है आपके सामने, ये डिटेल्स आपको ये पॉज करके देख सकते हैं। जापान में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जापान के लिए ये आपके डिटेल्स हैं। और अगर आपको इसके अलावा अगर आपको इटली में पढ़ाई करनी है हाई एजुकेशन या उसके लिए, तो ये डिटेल्स इसमें आपके सामने हैं। कब कब इसका वो होगा वो भी आपको कर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये अब अगर आपको जाना है मैक्सिको तो मैक्सिको के लिए ये है, और मैक्सिको के लिए और
ये सारी चीज़ें हमने डिटेल आपको बता दी। तो इस तरह से आप अप्लाई किसी को चीज़ के लिए कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों को अपने मित्रों को पहुंचा दें, दोस्तों को पहुंचा दें। इसकी वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट है जिससे आपको ये कर रहा है। देखिए वेबसाइट आपके सामने, ये देखिए ये आपका वेबसाइट है, देखिए education.gov.in ये है वेबसाइट इसकी, education.gov.in। अब्लिक स्कॉलरशिप पे जाएंगे, डैश एजुकेशन डैश लोन टू, ये आपको यहाँ पर ये वेबसाइट डालने ते ही, ये जो दिखा है वेबसाइट डालते ही आपके खुद कहला जाएगी, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर भेज दें और उनको बेनिफिट होगा। थैंक यू आप सभी को।